हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। वैसे तो वन टैप हेडशॉट की सारी ट्रिक एंड टेक्निक आप लोगों को पता होगी एंड जिस ट्रिक को अप्लाई करके आप लोग इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट करते हो। सो यस गाइस, यार आज की वीडियो में हम लोग वन शॉट की सारी टेक्निक को ना कवर करते हुए हम लोग आज कुछ वन टैप की मिस्टेक को कवर करेंगे। यार इस वीडियो में जितनी भी मिस्टेक को मैं अगर कवर करूंगा वो इस टाइम पे 80-70% बंदे ये मिस्टेक जरूर करते ही है। एंड उससे पहले जो भी भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना, जिससे फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक की बेस्ट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेगी। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मिस्टेक के साथ में उसकी वजह भी बताऊंगा। एंड यार ऑलमोस्ट अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख ले तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को कभी भी वन शॉट कनेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ड्रैग टेक्निक। आप लोग सोच रहे हो कि मैं आप लोगों को ड्रैग टेक्निक बताने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपने फायर बटन को कितना ड्रैग करते हो, इतना 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 फिर कितना। अब बंदर ड्रैग करने की परफॉर्मेंस को जानते हुए भी वो हमेशा एक ही लेवल का ड्रैग परफॉर्मेंस को यूज करता है, अब वो चाहे लॉन्ग रेंज हो या शॉर्ट रेंज हो या फिर मिड रेंज हो। देखो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं लॉन्ग रेंज में। यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज में कितना ड्रैग कर रहा हूँ, वही अगर आप लोग मेरे फायर बटन को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ लेवल से मैं ड्रैग कर रहा हूँ एंड लॉन्ग रेंज में इजिली तरीके से मेरा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। एंड जस्ट ड्रैग करने की बात की जाए तो मैंने अपने फायर बटन को जस्ट कुछ इतना ड्रैग किया था जिससे मेरा इजिली तरीके से लॉन्ग रेंज में हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। इतना ही ड्रैग जस्ट मैं अपने शॉर्ट रेंज में करता हूँ एंड इसी टेक्निक को अप्लाई करता हूँ तो शायद ही मेरा कभी वन शॉट कनेक्ट हो पाएगा। वही शॉर्ट रेंज में इस अपनी ड्रैग करने की स्पीड एंड टाइमिंग को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ एंड फास्ट लेवल का ड्रैग करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से वन शॉट कनेक्ट हो रहा है। एंड यही मिस्टेक हर बंदा 70-80% अभी भी करते हैं। तो कभी भी गाइस यार अगर आप लोग वन शॉट शॉर्ट रेंज में कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों को इतना ध्यान देना कि आप लोगों को फास्ट लेवल का फायर बटन को ड्रैग करना है एंड लॉन्ग रेंज में बहुत ही ज्यादा स्मूथ लेवल का ड्रैग करना है जिससे आप लोगों का इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट होगा। नंबर सेकंड, शॉर्ट रेंज एम प्लेसमेंट। अगर मैं अपने एम को जस्ट यार एनिमी के चेस्ट पे रखता हूँ शॉर्ट रेंज में एंड अपने फायर बटन को शॉर्ट रेंज ट्रिक यानी स्पीड के साथ साथ ड्रैग करता हूँ तो इजीली तरीके से हेडशॉट मेरा कनेक्ट हो रहा है। टिप्स नंबर सेकंड का सेकंड टिप्स, जस्ट यार शॉर्ट रेंज में भी मैं वही एम प्लेसमेंट को जस्ट एनिमी के पैर के नीचे रखता हूँ एंड वही टाइम पर उतना ही ड्रैग स्पीड का यूज करता हूँ तभी भी वन शॉट इजीली तरीके से मेरा कनेक्ट हो रहा है। अब यार इस प्लेसमेंट से तो आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि शॉर्ट रेंज में आप लोगों को ऐसे दो बेस्ट प्लेसमेंट मिलते हैं जहां से आप लोग इजीली तरीके शॉर्ट रेंज में वन शॉट कनेक्ट कर सकते हो। बट दोनों एम प्लेसमेंट को यूज करने के लिए एनिमी का पोजीशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर एनिमी आपके सामने जस्ट स्ट्रेट पोजीशन में अगर खड़ा है या फिर जस्ट आप लोगों के सामने रन करता हुआ आ रहा है तो आप लोग पैर वाले एंड जस्ट चेस्ट वाले एम प्लेसमेंट का दोनों का यूज करके इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट कर सकते हो। एंड वहीं अगर आपका एनिमी लेफ्ट एंड राइट या फिर मूवमेंट कर रहा है कभी भी गाइस यार आप लोगों को इतना ध्यान देना होगा कि आप लोगों का जस्ट यार एम या तो एनिमी के नीचे होना चाहिए या फिर एम आप लोगों के एनिमी के आसपास होना चाहिए तभी आप लोगों का इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट होगा। सो आई होप गाइस यार कि आप लोग इस टेक्निक को भी समझ गए रहेंगे एंड यार इस मिस्टेक को कभी भी नहीं करेंगे। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं एम कवर। वैसे बहुत सारे फ्री फायर में प्लेयर हैं जो कि लेफ्ट साइड से मारते हैं एनिमी के ऊपर जस्ट फायर करते हैं एंड कभी भी गाइस यार अगर आप लोग वही लेफ्ट साइड से अगर फायर करते हो अपने एनिमी को ड्रैग शॉट या फिर हेडशॉट मारने की कोशिश करते हो तो बहुत ही कम चांस होता है कि आप लोगों को इजीली तरीके से एनिमी के ऊपर वन शॉट कनेक्ट हो। क्योंकि अगर आप लोगों की HUD के हिसाब से कभी भी गाइस यार आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को लेफ्ट साइड में एम प्लेसमेंट एंड एरिया ज्यादा कवर नहीं मिलता एंड कभी भी अगर लेफ्ट साइड से अगर बंदा फायर करता है तो कभी भी उसका इजीली तरीके से वन शॉट नहीं कनेक्ट होता है एंड जो कि ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि हमेशा लेफ्ट साइड से ही फायर करते रहते हैं। एंड अगर वहीं अगर एक बंदा अगर राइट साइड से अगर अपने एम को फायर करता है यानी कि जस्ट ड्रैग करता है या फिर वन शॉट के लिए कनेक्ट करता है तो इजीली तरीके से उसका वन शॉट कनेक्ट हो जाता है। तो कभी भी गाइस यार आप लोगों को हमेशा ट्राई करना है कि आप लोगों को राइट साइड से ही अपने फायर बटन को ड्रैग करें एंड जिससे यार आप लोगों का इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट होगा। तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।